हैं, मेरा कसूर नहीं है ना सर अगर आप नहीं मानते उनको, लेकिन आप अगर मुझे अरबी सिखाने आए हैं तो सर कम से कम अपनी लेक्सिकॉन्स तो पढ़ के आए ना। आपके तमाम नहीं, उलमा इस चीज आपको को मानते हैं कि एक ही वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं अरबी के अंदर, और आपको मेरी यहाँ पे आवाज आ रही है? मिसा जेनेरिकली यूज हो सकता है वुमेन काइंड का, कुर्तबी भी कहता है आपका, सारे सारे इवन आपका इब्ने कतीर भी कहता है, इब्ने कायम अल जौजिया भी कहते हैं। भाई किस किस को झुटलाओगे यार अब्बास, किस किस को झुटलाओगे? हैंग ऑन अ अच्छा मिनट, ये जो लेक्सिकॉन पे लड़ इनको इस पे क्या कहना है, डिक्शनरी पे क्या कहना है अब्बास भाई को, क्योंकि अगर नहीं डिक्शनरी में नहीं आ गया वुमेन काइंड तो उसमें बच्चियां सब आ जाती है, फीमेल सब आ जाएगी। मैं मुझे नहीं मालूम ये कौन सी डिक्शनरी है। अच्छा ये देखे जरा क्योंकि पाकिस्तान में क्या हुआ, ये भी देखते हैं पाकिस्तान के आइए भाई हमारे। ये देखिए जी, शादी की उम्र का तायुन इस्लाम के खिलाफ है, ये हमारा bbc.com/urdu-pakistan। आप पाकिस्तान की बोली जा कौमी रहे हैं, मुझे मौका नहीं दे रहे असेंबली बोलने। की कायमा कमेटी बराए मजाहिब उमूर ने कम उम्र की शादी के खिलाफ कानून में तरमीम को गैर इस्लामी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अच्छा पाकिस्तान में किसने ये मुस्तरद किया कानून, किसने? मुझे आप बोलने का कमेटी मौका नहीं दे रहे हैं, आप सर बोलते जा रहे हैं, मुझे मैं बताए कुछ तो कहना सही चाह रहा ना। हूं। हाँ आप कहिएगा, लेकिन ये तो बता दे पहले किसने किसने। पूरी दुनिया में जो शरिया लॉ भी है ना, हर जगह पे दुनिया में किसी इस्लामिक मुल्क में ऐसा शरिया लॉ नहीं है जो हैज से पहले बच्चियों की शादी का कहे। हाँ उम्र में फर्क हो सकता है, कोई कह ले कि 10 साल, कुछ कह ले 11 साल, लेकिन किसी शरिया लॉ में, जो आप जिस आलम की बात बता रहे थे कि परफेक्ट, मुझे दिखाई मुझे दे आप ऐसा क्रिस्टल। करें, बेहतरीन, मैंने आपका सवाल सुन लिया। अब मुझे ऐसा करें, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की किताब फिक, इमाम अबू हनीफा की किताब फिक, इमाम इमाम हम्बल की किताब फिक और इमाम मालिक की किताब फिक, इन चारों की किसी भी किताब फिक को पकड़ें और मेरे पास लेके आए कि हैज से पहले बच्ची के साथ आप शादी नहीं कर सकते, साबित कर दें। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि इस्लाम में है शरिया में कि आप हैज से सर पहले शादी कर आपने दो। कहा है ना कि, आपने आप ये कहा है ना, क्लेम कर रहे साबित हैं, करें। आप ये क्लेम कर रहे हैं, दिस इज सर जस्ट मैं जो गिवन। क्लेम कर रहा हूं, मैं ये तमाम दिस इज उलमाए दीन आपको दे रहा हूं, आप नहीं मान रहे। अब आपने नहीं, कहा एडम है कि जी आजकल क्लेम शादी आपका है नहीं हो सकती। एडम, अगर आप क्लेम करें ना तो बर्डन ऑन प्रूफ ऑफ प्रूफ इज ऑन मैंने यू। तो सर आपने मैं तो कहा है दे कि रहा हूं, शरिया में, मैं तो आपने सबका कहा कि दे रहा हूं। शरिया में, आपने कहा कि शरिया में आप हैज से पहले शादी कर सकते हैं। ये मुझे हाँ दिखाएं कि किसी शरिया लॉ में ये लिखा है कि आप हैज से पहले शादी कर सकते हैं बच्चे। हर लॉ के अंदर लिखा हुआ है, जाके ले आए मेरे पास, मुझे रिजेक्ट कर दें आप। ठीक ये है, लिखा हुआ है ना, क्या कि आप मुझे, आपने, मैं नहीं आपको दिखाऊंगा लॉ, आपके पास होगा ना, आपने सर्च की होगी, हमें दिखा दें कि इमाम शाफी या इमाम अबू हनीफा ने ये कहा है कि आप हैज से पहले लड़की की शादी कर सकते हैं। भाई ये तो आपने, बर्डन ऑफ द प्रूफ इज ऑन यू नॉट मी। मैं It's तो on आपको दिखा you. रहा हूं कि तमाम ने बोला It's हुआ on है, ये you. देखें। It's अच्छा on you. It's on you. अच्छा You सो make that claim. बेसिकली यू आर टेलिंग मी, ये मैंने आपको सवाल किया है, जरा बच्चा ना बच्चा पना नहीं बनो, बच्चा नहीं, पना नहीं बनो, आपने जो मेरी जब जान वीडियो बच्चा दिखाई, पना नहीं बनो। मैंने कहा है कि मुझे, क्योंकि शरिया किसने देना है, इन चारों ने देना है ना आपने भाई, आपने वीडियो शरिया इन दिखाई, चारों ने देना है ना, तो मुझे प्रूफ कर दो लाके। बोले नहीं दे रहा। आपने वीडियो दिखाई थी, आपने वीडियो दिखाने के बाद कहा था कि आपके सारे शरिया कहते हैं, मैंने पूरे नहीं, शरिया में कहते हैं, ओए यार, आपने कहा था पूरे शरिया में आपके कहते ओए हैं कि दो अब्बास साल की अब्बास लड़की तक आप शादी अब्बास कर सकते हैं, तो अब्बास, दो आपने ये रुपए की क्लेम अकल ले किया है। लो अब्बास, 2 रुपए की अकल लो। ठीक है, मुझे अगर तुम मुझे झुटलाना चाहते हो ना, देखो मैंने तुम्हें चारों मुहद्दिसीन का नाम गिना दिया, इनकी शरिया में से मुझे लाके दे दो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। देखो कितनी अच्छी अच्छा बात कर नहीं दी मैंने, नहीं अब नहीं जाओ और मेरा लेके आओ, नहीं, मैं नहीं आपको प्रूफ अब दूंगा। जाओ और मैं लेके आपसे, आओ। साहिल भाई, साहिल भाई, मेरा आपसे सवाल है, सबसे सवाल है कि मुझे कोई एक स्टेटमेंट दिखा दें किसी इमाम की कि आप हैज से पहले लड़की की शादी कर सकते हैं, जस्ट वन सर स्टेटमेंट। मैं कौन से, इमाम इफ यू कुर्तुबी दिखा कांट, दूं, इमाम कुर्तुबी दिखा दूं, आपने ये कहा है, ये इमाम कहा कुर्तुबी दिखा इमाम, दूं, आपने शरिया की बात, मैं शरिया की इमाम, बात तो कर रहा हूँ ना। शरिया तो आप दिलाके ना, देखो आप ना ना लेके ना, आए हो मेरे पास ये, देखो किसने मैंने मुझे बात, कहा है, किसने यहाँ पे लाइव स्ट्रीम मैंने में किसने शरिया कहा है। की है, अच्छा मैंने एक शरिया की मिनट बात की है, मैंने किसी आलम की यार, मुफस्सिर की फिर बात वही नहीं बात की कर है, रहे हो, फिर मैंने वही बात कर शरिया रहे की हो, बात, किसी फिर वही बात शरिया कर रहे लॉ में हो। दिखा दें शरिया लॉ में कि आप हैज से पहले लड़की की शादी कर सकते, किस शरिया में लॉ में लिखा हुआ? कहीं नहीं लिखा हुआ। तो अगर आप ये नहीं क्लेम लिखा हुआ, करते हैं तो किसी एक तो शरिया मैंने, लॉ में नहीं लिखा। एक सेकंड देखो, बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है क्योंकि आपने कहा है कि शरिया में नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, आपने ये कहा इवन है कि दो शरिया यार में तुम है पहले। चुप चुप सुनो एक मिनट सुनो एक मिनट यहां एक पे मिनट एक मिनट सुनो। ओके,
बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे बनता है क्योंकि आपने ये बात बोली है कि किसी भी कंट्री में इस्लामिक शरिया के अंदर छोटी बच्ची के साथ शादी जायज नहीं है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, इसीलिए मैंने आपको कहा इन चारों मुहदिसों में से मुझे किसी का ला के दिखा दें। अब आप उस बर्डन ऑफ प्रूफ को, जो स्टेटमेंट आपने बोली है, जो मैंने नहीं बोली, आप आपने मैडम बोली रिपीट कर है, रहे हैं अपनी बात, समझ गए, आपने बात की, आप रिपीट कर रहे हैं लेकिन मेरी बात आप गौर बोली से जा, सुन फिर नहीं रहे। बोली मतलब जा, बोली अल्लाह जा, ने आपको दो कान दिए, बोली एक जा, जुबान दी है। बोली जा, तुम्हारे अच्छा कानों में तो कनिया अच्छा पड़ी हुई है। अच्छा थोड़ा मुझे फिर बीच में आना पड़ रहा है, एक मिनट। अब्बास भाई, आपके हिसाब से कौन सी कंट्री में शरिया लॉ है? मेरा ख्याल है ईरान और सऊदी अरब में इसमें ख्याल शरिया लॉ है यार, बहुत। हद नहीं है नहीं है, है ख्याल, नहीं, मैं ये कहूंगा, 100% नहीं है वहाँ, हंड्रेड तो परसेंट फिर नहीं क्यों बोल इसलिए रहे मैं हो, कह रहा तो फिर क्यों हूँ, बोल रहे इसलिए हो। हो मैं कह रहा सकता हूँ, वो जो, एक मिनट सुनो नियरेस्ट सुनो मेरी बात नियरेस्ट। सुनो, यही मसला खत्म हो जाता है। जब आप बोल रहे हो कि वो 100% नहीं है, तो जो पार्ट मिसिंग है, हो सकता है उसमें से ये वाला पार्ट उन्होंने गायब कर दिया हो। नहीं, मैंने मैंने जब बात की थी ना, मैंने जब कंट्री की बात की थी उस वक्त मैंने ये शरिया की बात नहीं की थी, उसमें मैंने कहा शरिया लॉ की यार किताबें तो तो लिखी हुई है ना। नहीं, शरिया लॉ की आपको किताबें तो है ना, भाई, शरिया लॉ मतलब की किताबें हैं आपके, कि नहीं है एक मिनट, आपके साहिल भाई, हिसाब शरिया लॉ से की किताबें आज हैं कि की, नहीं है? यार शरिया लॉ थोड़ा की किताबों में से खोल के दिखा दे मुझे। तो कंट्रीज सुनो अगर एक फॉलो मिनट। नहीं कर रही है 100% शरिया लॉ, लेकिन शरिया लॉ लिखे तो हुए हैं ना। अच्छा, शरिया लॉ की कौन कौन सी किताबें बता सकते हैं आप? मैंने शरिया लॉ की, मैं एक ही किताब थोड़ी सी पढ़ी है, वो भी मुझे इसका भी नाम जहन में नहीं है, लेकिन मैंने शरिया यार लॉ मेरे आपने लिए, पढ़ा नहीं है, आपको मालूम नहीं है, कोई कंट्री शरिया लॉ नहीं मान, मतलब नहीं, 100% नहीं करती, आप क्लेम कर रहे हैं तभी ना, आप ही आप बोल क्लेम दो, कर रहे हैं, एडम क्लेम सभी कर आप रहे हैं ही कि बोल जिसने दो। उनको बहुत ज्यादा पता है, एडम क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने वीडियो चलाई है आलम की जो शरिया की बात कर रहे हैं। तो हेलो, मैंने कहा अगर आपने पढ़े, मैं आपको बता दूं मेरा क्या है, मेरा शरिया लॉ क्या है, आई लेट यू नो, शरिया जहां से आता है अल्लाह और सुन्नत और रसूल, कुरान और सुन्नत। तो आ तो गया मैं ना कुरान और कुरान में, आ सुन्नत, गया ना भाई, मैं कुरान और सुन्नत को डायरेक्ट पढ़ता हूँ। कुरान में नहीं आया बच्चियों का, कहा बनात का है नहीं जो, आया, एडम इसमें नहीं एडम कॉन्सेप्ट है भाई, एक बनात मिनट का। मिनट एक मिनट एक मिनट एक एक मिनट साहिल अब्बास भाई, भाई, ब्रेक एक के साथ। रिपोर्ट भेज रहा हूँ, एक रिपोर्ट भेज रहा हूँ। अभी ये बोले ईरान एक क्या बोलते, कौन सा कंट्री है, शरिया पे चलने वाला कंट्री है, तो चाइल्ड मैरिज के ऊपर से उनका एक बार काउंट देख लो। ठीक है, वो भी ले एडम, लेते हैं, लिंक भेजा है क्या? हाँ जी हाँ मैं एडम भाई देख जी लीजिए। मैंने खोलने लगा हूँ, एक सेकंड, ये ले। ठीक। और दूसरा, मीनवाइल जब तक ये खोल रहे हैं, ईरान का इन्होंने खुद नाम लिया था, ठीक है, वहां भी देख लेते हैं। अब्बास भाई, आपने ये कहा कि वो वहां पे बनात नहीं है, लेकिन जो निसा का जो ये क्या कहते हैं उसको, डिक्शनरी से जो लुगत से जिस एडम ने बताया, ठीक है, उसमें वुमन काइंड आ गया, जिसमें बनात भी आ जाती है, छोटी बच्ची, बड़ी बच्ची, औरतें सब आ जाती है, फीमेल सब आ जाती है। तो नहीं, आप वो कोई इंसा एक है, ऐसा, वो इंसा है, सॉरी, क्या फीमेल बोल रहे इंसा, इंसा हो? अरबी नहीं में नहीं इंसा अभी कहते हैं फीमेल, यार, अभी निसा, यार एक निसा को कहते हैं वुमेन, ब्रेक भाई, ब्रेक 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 इमरा, ब्रेक इमरा वुमेन के लिए यूज होता है ब्रेक और निसा वुमेन के लिए यूज होता है इन ब्रेक प्लूरल, निसा का मतलब ब्रेक है प्लूरल वुमेन। ब्रेक जी प्लीज ब्रेक। एडम ने जो लुगत का जो हवाला दिया है, ठीक है, लेक्सिकॉन जो आपको बताई है, उसमें निसा में एक माना उसका वुमेन काइंड भी है, ठीक है नहीं है? वो जो जो उन्होंने लोगों को दिखाई है उसमें हाँ मैंने पूरी तरह क्लियर नहीं था, बहुत स्क्रीन स्मॉल थी, सॉरी मेरे अच्छा, फोन पे हूँ क्लियर, मैं एक तो। मिनट, वो क्लियर नहीं आपको नहीं फिर से वो बता दिया जाएगा, एक नहीं मिनट नहीं नहीं वो मैंने अगर, देखा ना, लेकिन ठीक है, मैन वुमेन काइंड लिखा होगा, लेकिन वो जो लुगत हाँ उन्होंने दी है, आई डोंट नो, आई डोंट रिकॉग्नाइज द लुगत, आई तो डोंट नो। पहले चेक कर लो ना, पहले आप चेक कर लो कि ठीक है लुगत ठीक है, नो में, एक प्रॉब्लम। मिनट, हाँ, उसके बाद बहस करो ना, क्योंकि अगर उसमें वुमेन काइंड हो जाता है तो फिर आपकी बात गलत साबित हो गई, अब उसमें और प्रूफ की जरूरत नहीं है। नहीं आप साहिल पहले भाई, आप जा, गलत बात कर रहे हैं, मैंने मैंने ये सारा चेक कर लिया हुआ है, मैंने डेन्स लेक्सिकॉन में भी उसके मीनिंग देखे हैं, एक और अच्छा, वो लेक्सिकॉन भी है शो कर उसमें भी है, सकते हो, और शो कर सकते कुरान हो? कुरान कुरान में मैं देख रहा हूँ। आपको आवाज अभी मेरी आ रही है? हेलो, आ रही, आ रही है, वो लिंक आप शेयर क्योंकि करो। जब मैं हाँ अपनी दूसरी फाइल खोलता हूँ तो आवाज़ गायब हो जाती है, इस वास्ते मैं स्ट्रगल कर रहा था कि वो खुल नहीं रही थी, तो मैं बिल्कुल देख सकता हूँ। नहीं तो अगर आपने इस टॉपिक पे किसी ने बात करनी है और औरतों की शादी वगैरह के बारे में पाकिस्तान नहीं ईरान नहीं में, वो भाई, तो मैं उस एक पर बात मिनट, मैं उस पर ये बात कर सकता हूँ किसी दिन अब्बास डिटेल के भाई, साथ। अभी एक मेरे मिनट, पूरी अब पूरी अरे अनी अवेलेबल, यार सॉरी। यार, जी जी बोले। थोड़ा ब्रेक लगा लगा के बोलो ना यार, मुझे नहीं अपने को मैं यहाँ पे सब बात नहीं करना है, सिंपल स्मॉल स्मॉल चीज जो मेन है वो बात करना है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ अब्बास भाई, कि अगर आप, अगर ये निशा जो है इसमें अगर वुमेन काइंड आ गया,
तो मसला ही खत्म, आपकी बात गलत साबित हो गई। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, आपको जाके ये देखना है कि निसा का एक माना वुमेन काइंड आता है या नहीं आता है, ठीक है, मसला खत्म। आप ये होमवर्क करके आ जाइए बस। और ईरान की ये रिपोर्ट आपने नाम ली थी, उसमें क्या है देखिए। जी जी एक और रिपोर्ट भेजा हूँ मैंने, उसमें तो वो तो देखो वो तो वो डेंजर है। नहीं, ये आपने जो रिपोर्ट भेजी है ये किसकी रिपोर्ट है, ये क्या कोट कर रहे हैं, ये सुन्नत कोट कर रहे हैं, कुरान कोट कर रहे हैं, ये आलम को कोट कर रहे हैं, ये अरे हमें बताइए। ये आपके जो कंट्री ईरान में ईरान शरिया लॉ है उसका रिपोर्ट बता रहे हैं कि कितनी बच्चियां है, मतलब 10.5% ऐसी बच्चियां है जिन जो 13 की एज से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है। बस यही बात है कि और भी कुछ है इसमें? और भी है मतलब एकदम कम, 5 नहीं साल नहीं से आप, ट्वेल्व ट्वेल्व से सॉरी शादी करवा सॉरी, रहे मैं हैं। आपकी बात काट रहा हूँ। मेरा जो सवाल था बड़ा क्लियर था, मुझे ये बताएं हाँ किसी शरिया लॉ में लिखा है कि आप यार, आपने ईरान का हवाला मेंस, दिया था ना आपने यार, इसमें अभी आपको यार बस इस्लामिक भाई कंट्री की एक बात मिनट, किया, हम आपको इस्लामिक कंट्री का साहिल रिपोर्ट बता रहे साहिल हैं। भाई, साहिल भाई प्लीज मुझे बात करने। मेरा क्लियर यार सवाल था, मुझे ये आपने शरिया, ईरान का नाम लिया कि नहीं लिया? तो मैंने क्या कहा था ईरान के साथ, क्या कहा था मैंने? जब हम मैंने आपसे पूछा कि शरिया लॉ जो है कौन सी कंट्री में क्या मानते हैं, आप आपने ईरान का नाम लिया था कि नहीं लिया था? लिया था वो, क्या मैंने तो कहा था ईरान के बारे में? हाँ, क्या अरे बोल यार रहे हो? एक मिनट बात एक क्या मिनट हो रही थी, सुनो बात क्या हो रही थी, यार, बात ये हो रही थी मैंने कि हैज से सुनो सुनो पहले। नहीं, ये यार, गलत बात कर रहे हैं साहिल भाई, गलत बात कर रहे हैं, मुझे बोलने दें भी आप, आपने प्लीज गलत ईरान का बात कर रहे नाम हैं क्यों लिया, आप आपने गलत ईरान का इसे नाम क्यों इसे लिया? मैंने अच्छा, जो ईरान का बात नाम हो रही क्यों है, लिया? मैं बता रहा हूँ ना आपको, मेरी बात क्यों नहीं करने दे हाँ रहे आप लोग मुझे, व्हाट्स द बोलिए। प्रॉब्लम है, आई जस्ट ठीक अंडरस्टैंड। है, बोलिए। बात ये हो रही ठीक थी कि मैं कह रहा था किसी शरिया लॉ में, किसी शरिया लॉ में मुझे दिखा दें कि आप हैज से पहले लड़की की शादी कर सकते हैं। तो फिर आपने कहा कौन से मुल्क ऐसे हैं जो शरिया को फॉलो करते हैं, तो मैंने कहा ठीक है ईरान और सऊदी अरेबिया। तो बैकग्राउंड ठीक क्या है थी, बैकग्राउंड ये थी कि दिखाएं हैज से पहले, और ये 13 साल की उम्र की जो उसी लड़की शादी है, क्या 13 साल की लड़की को हैज नहीं होता, 12 साल की लड़की को हैज नहीं होता, नहीं है तो 10 साल की लड़की को भी हो जाता है। आई एम नॉट अग्रीइंग विद देम, आई डिसएग्री विद इट, आई डिसएग्री दैट यू शुड मैरी इतनी छोटी लड़की का, आई डिसएग्री एंड आई कैन गिव यू रीजंस, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बात हो रही हैज से पहले, जो कुरान की ठीक है आयत है वो हैज से पहले की बात हो रही है कि जिन अच्छा लड़कियों को हैज ठीक नहीं आया ठीक है यार औरतों अब्बास को, ठीक है, तो भाई, ठीक बात हैज की हो रही है, थी अरे ये सुन लो आर्टिकल। यार, ठीक है, इसको आर्टिकल को बंद कर दो मसूद, ठीक है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि एक चीज से आपकी बात गलत या सही साबित हो जाएगी कि निसा में वुमेन काइंड आता है या नहीं आता है, बस आप ये तहकीक कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह जब आपका नेक्स्ट शो होगा आई विल कम विद द फुल डिटेल आंसर इंशाल्लाह ताला। तो अनटिल देन वी कैन अच्छा लीव मुझे इट एक देयर, बात फाइन। बताइए, अच्छा अच्छा अब्बास भाई एक बात और आप बताइए, भी ओके एडम मैं आपको फिर मौका दे रहा हूँ, बस एक बात बताइए। अब जी। अब्बास भाई, अगर आपकी तहकीक में ये आपको पता चल जाए कि निसा में वुमेन काइंड आता है, तो क्या फिर आप मानेंगे ये बात कि कुरान जो है वो हैज के पहले भी ये बात बताता है, जिससे ये साबित होती है कि हैज से पहले भी शादी की जा सकती है? यस यस एब्सोल्युटली, अगर चलो अगर मसला वो खत्म, जो बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं, अगर वो क्लियर कट साबित हो जाए कि ये कुरान ठीक वाकई ही है से पहले बच्चियों की बात कर रहा है, तो फिर आई विल एग्री, एंड यू नो व्हाट, है। आई विल रिजेक्ट इट इंशाल्लाह। ओ कुरान को रिजेक्ट करोगे आप? यस एब्सोल्युटली यस, आर यू, ओ दैट्स ग्रेट एडम, दैट्स या बिकॉज़ एब्सोल्युटली बिकॉज़ ग्रेट। बिकॉज़ बिकॉज़ मैं मुसलमान इसलिए नहीं हूं कि मैं पैदाशी मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ कि मैं अल्लाह ताला को अपना रब मानता हूँ और को मैं हक मानता हूँ। मैं मान ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला इजाजत दे रहा है छोटी बच्चियों के साथ सेक्स, और अगर चलो अब ऐसा खुदा दूसरों, इजाजत, अगर ऐसा कोई खुदा इजाजत दे रहा है तो वो खुदा खुदा नहीं है, एंड चलो बेस्ट आई एम सेइंग दैट बिकॉज आई नो अल्लाह डिड नॉट से दैट इन दिस आयत। एक और मिनट, जो ठीक मुसलमान ऐसे करते है, हैं, मैंने स्पीकर कोर में खड़े होकर हिजाब को इस चीज को चैलेंज किया था, तो एंड में उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे ईसाई भी खड़े हुए थे, इनके सामने बात ना की जाए तो अच्छी है, तो मैंने कहा ठीक है, व्हाट इज दिस, वी हैव फेयर टू, इनफ लेकिन अब्बास भाई, फेयर उन्होंने इनफ, बात नहीं की, एंड दे मूव्ड फेयर ऑन। इनफ तो अब्बास इससे भाई, ज्यादा मैं आपको फेयर क्लियर इनफ, बात नहीं कर सकता, तो मैं फेयर इंशाल्लाह इनफ, ताला आपकी नेक्स्ट स्ट्रीम में मैं आपको लाके इंशाल्लाह साबित करूंगा कि यहाँ पे ठीक निसा का मतलब औरत है और बच्ची नहीं है इंशाल्लाह ताला। और यही है, ठीक मौदूदी साहब ने भी इसका जिक्र किया है कि ठीक ये है, फेयर हो सकता है इनफ कहीं वही हो। भाई, ठीक है यार ठीक है फेयर इनफ, सिर्फ आपको एक ही ठीक है चीज पता करनी है, निसा में इंशाल्लाह वुमेन काइंड आता है या नहीं आता है। अगर आता है
दोस्तों 1300 लोग, 1250 लोग देख रहे हैं, आप सब देखिए कि अब्बास भाई जो है, अगर उसमें साबित हो जाए कि वुमेन काइंड उसमें आता है, तो ये कुरान को रिजेक्ट करेंगे लाइव। ठीक है, चलिए एडम आपको अच्छा कुछ बताना ये, था। हाँ मैंने ये बताना था कि इन्होंने अभी मुझे लाइव स्ट्रीम में बोला कि अगर ये साबित हो जाए कि शरिया की बुक में प्री प्रोबेसेंट गर्ल्स के साथ शादी इजाजत है, तो ये मैंने इनको साबित करके देना है। बाद चीजों में थोड़ा टाइम लग जाता है, मैंने कहा चले आप लोग गपशप लगा रहे हैं तो मैं इनको ढूंढ के निकाल दूं। ये प्लीज शरिया प्लीज, इमाम शाफी की किताब है, ठीक है, रिलायंस ऑफ ट्रेवलर के नाम से शरिया की किताब है। इन्होंने शरिया पूछा था मुझसे, ये भी इनको दिखा देते हैं, M3.9, ठीक है। ये कहता है, मैरी, अगर कोई कहे हु इज सूटेबल मैच बाय टेलिंग हर गार्डियन मैरी मी टू हिम, द गार्डियन मस्ट मैरी हिम हर टू हिम, वेदर शी इज अ वर्जन नॉन वर्जन एंड वेदर प्री प्रोबेसेंट और नॉट, द इस्लामिक मैजिस्ट्रेट मैरिज हर टू सच अ ग्रूम इफ द गार्डियन अलाउज। हाँ जी सर, ये आपके पास शरिया आ गया, पेज नंबर 520, 521, सेक्शन M9, ठीक है। ये सेक्शन M9 आ गया आपके पास पेज नंबर 521 के ऊपर, पेज नंबर कौन सी किताब आपने कही है? 522 के ऊपर, ठीक है। ये जी, बोलता है, कौन सी किताब पूछ रहे हैं एडम, कौन सी किताब है, रिलायंस कौन ऑफ सी किताब? ट्रेवलर जो कि किताबे शरिया है इमाम शाफी रहमुल अलैह की। ओके रिलायंस ऑफ द ट्रेवल। ओके ठीक है, ओके मैं ठीक, इसे, अब आपने कही है बात, हाँ ठीक है, अब मैं सुनते जाओ चेकिंग ना करूंगा। मेरी मैं जान, देख, अब जरा माइक म्यूट करके सुनो। ओके, वेदर द ब्राइड इज अ वर्जन द फादर ऑफ द फादर मे मैरी हर टू समवन विदाउट हर परमिशन, दो इट इज रिकमेंडेड टू आस्क हर परमिशन, बाप अपनी प्री प्रोबेसेंट लड़की की शादी कर सकता है बगैर उससे इजाजत लिए। नाउ इफ शी हैज रीच्ड प्यूबर्टी अ वर्जन साइलेंस इज कंसिडर्ड अ परमिशन, और अगर उसने प्यूबर्टी अचीव कर ली है तो उसकी साइलेंस ही उसकी परमिशन है। एज फॉर द नॉन वर्जन ऑफ साउंड माइंड नो वन मे मैरी हर, अगर वो नॉन वर्जन उसकी पहले से शादी हो चुकी है तो फिर उसकी इजाजत लेना जरूरी है। पेज नंबर 533 पे जाते हैं, आपने एक बात पूछी थी मुझे, वो बात आप पूरी रख तो लेने देना ताकि आपके पास कोई इख्तलाफ ना रहे। हालांकि ये आपने मुझे देना था क्योंकि आपने कहा था कि शरिया में, किसी भी इस्लामिक शरिया में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको दे देता हूँ, हुज्जत मैं रख देता हूँ, मैंने ये तमाम नहीं कहा करते था, हैं यहाँ पे। मैंने कहा मुझे अच्छा आप रुक जा रुक दिखाएं, जा रुक जा रुक जा रुक जा, अभी मेरे नहीं मुंह में बात अभी तो डाले, नहीं मैंने वो बात अभी नहीं की, नहीं मैंने कहा आप अभी मुझे नहीं दिखाएं। अभी नहीं। पेज नंबर 533, सेक्शन M8.2, अ गार्डियन मे नॉट मैरी हिज प्री प्रोबेसेंट डॉटर टू समवन फॉर लेस देन द अमाउंट टिपिकली रिसीव एज मैरिज पेमेंट। एक गार्डियन, चाहे बाप हो चाहे वो उसका गार्डियन हो चाहे कोई भी हो, वो जो निकाह या शादी की जो पेमेंट होती है जो कि एक मर्द को देनी होती है, मुझे इसका नाम इसका ज़हन में नहीं आ रहा, भूल गया, उससे कम कीमत में अपनी प्री प्रोबेसेंट बेटी की शादी नहीं कर सकता है। आपके ठीक शरिया में मल्टीपल लोकेशन के ऊपर आपकी इस बात का इन्हेराफ होता है। अब्बास आगा साहब, मैंने आपको तीन डिफरेंट लोकेशंस दिखा दी हैं, मैंने शरिया से भी हुज्जत पूरी कर दी है, मैंने आपको अर्ली आयमा अकराम से भी हुज्जत पूरी कर दी है। अब अगर आप नहीं मानना चाहते, आपकी मर्जी है, आपका काम है अब कि मेरे पास एक इसी लेवल का मुहद्दिस लेके आए जो इस चीज को रिजेक्ट करता हो। मुझे आजकल के ABCD छोटी सी सेक्ट के मानने वाले लोग नहीं चाहिए। थैंक ओके यू सो वेरी अभी मच, भी आपने जो चीज दिखाई है, जो हुज्जत लिखी हुई पूरी हो गई। दिखाई है, अरबी में भी है और तर्जुमा भी है, आपने कहा कि ये रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर बुक है, जो मैंने नहीं पढ़ी। अब मेरा है, बनता है कि मैं देखूं रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर सर इज इट अ आपने बुक ऑफ। कौन सी शरिया की किताब पढ़ी है वो बता दें। वन सेकेंड आई एम अच्छा टॉकिंग राइट आपने नाउ। शरिया की कौन सी किताब पढ़ी है जरा वो बता दीजिएगा सबको। अच्छा मैंने आपकी बात एक सुनी मिनट है, मिनट, नाउ लेट मी ठीक स्पीक, है नाउ लेट मी स्पीक। अब्बास बोलो बोलो, आप अब्बास बोलो बोलो। आपने ये क्लेम किया है कि दिस इज फ्रॉम द रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर और आपने पेज नंबर वगैरह दिए हैं, दैट्स वेरी गुड ऑफ यू। अब मेरा ये बनता है कि मैं इस पे जाके देखूं, इस पे तहकीक करूं कि ये वाकई कोई शरिया की किताब है ये, कि या किताब वैसे कि लिखी गई है जिसके अंदर किसी को कोड किया गया है। दिस इज माई ड्यूटी नाउ टू हैव अ लुक ठीक एंड इंशाल्लाह दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोना डू। मेरे पास अवेलेबल नहीं है ये बुक रिलायंस ऑफ द ट्रेवलर, ठीक है, ना मैंने पढ़ी है, तो दिस इज व्हाट आई एम गोना चलिए डू
and it's possible that you are wrong here, and this is not the book of Sharia. This is the book Reliance of the Traveler, written by some person, and he is quoting some other scholars. And this is not a book of Sharia. Remember, I say you show me from book of Sharia. So yeah, this is what my duty. I have to go and I have to finalize. And I even though many may have been studying nahi kiya, but I'm 100% sure that I'll prove you wrong that this book is not a book of Sharia. I'm telling you right now that you will be wrong here, inshallah ta'ala. So this is what I'm going to do. Inshallah, leke chale jaye. थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय। स्क्रीन दिखाएं यार, लोगों को दिखाऊं मैं रिलायंस ऑफ ट्रैवलर क्या है। अब्बास को तो दो टके का इल्म नहीं है। स्क्रीन दिखाएं सर, रिलायंस ऑफ ट्रैवलर सर, तमाम उलमाए दीन ऑफ इस्लाम को पता है कि ये क्लासिकल फिका और शरिया का मैनुअल है। ये मैं एक सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको, आप दुनिया की जिस मर्जी जगह पे से जाके देख सकते हैं। रिलायंस ऑफ ट्रैवलर, ठीक है, नोन बाय इट्स शॉर्ट टाइटल रिलायंस ऑफ ट्रैवलर इज ए क्लासिकल मैनुअल ऑफ फिक for the Shafi school Islamic jurisprudence. The author of the main text is 14th century scholar, theek hai, Ibn Abbas al-Naqvi and etc. This is Shafi fiqh and sharia kitab book, one of the most authoritative sharia book in the world right now. अब अगर आपको इल्म नहीं है सर, जाके पढ़ें, दुनिया को दिखाने के लिए काफी है कि दुनिया को एटलीस्ट पता लग जाए कि क्या है। थैंक यू सो वेरी मच, एंजॉय कीजिए। ठीक है, नो इट्स ओके, आई विल, आपने जो क्लेम किया है आई विल लुक इनटू दैट एंड इंशाल्लाह ताला आई विल कम बैक एंड आई विल टेल यू वेयर यू आर रॉन्ग हियर। हां, आई एम रॉन्ग हियर, आई एम रॉन्ग, प्लीज जाएं अब आप। थैंक यू, ठीक, ओके। जो साहिल भाई से बात हुई है, साहिल भाई से जो बात हुई है वो कुरान की सूरह 65 वर्स 4 के बारे में बात हुई है, उसके बारे में इंशाल्लाह ताला मैं आपको निसा का मतलब बाकी इंशाल्लाह दिखाऊंगा, उसके ऊपर भी बात होगी। ठीक है, ठीक, तो ये शरिया, okay, शरिया की जो मैं बात की थी इन्होंने दिखाया, ठीक है। मुझे क्लासिकल अरबिक लेक्सिकॉन से दिखाना है, आज की लेक्सिकॉन से नहीं। अगर आज की लेक्सिकॉन में जाओगे तो जद्दू का मतलब सिर्फ ग्रैंड डैडी होता है। फिर तमाम लोग जो नमाज के अंदर वत्ता आला जद्दू का कहते हैं ना, वो फिर अल्लाह के ग्रैंड डॉटर को, ग्रैंड फादर को बुला रहे हैं। आज के लेक्सिकॉन ना दिखाना, मुझे क्लासिकल अरबिक लेक्सिकॉन दिखाना जो मैंने दिखाया। बाय बाय। Okay, मैं आपको खाली लेक्सिकॉन नहीं दिखाऊंगा, बल्कि मैं आपको मुझे क्लासिकल अरबिक लेक्सिकॉन दिखाना, कोई मसला नहीं है। मुझे कुरान नहीं चाहिए, कुरान मुझे पता है किस तरीके के लिखा हुआ, मुझे सारा कुछ पता है। सो क्लासिकल अरबिक लेक्सिकॉन दिखाना, मेरी जान मैंने बता दिया लाइव के अंदर। आपने सुन ली मेरी बात? मैं आपको हर लिहाज से सैटिस्फाई करूंगा। मेरी बात सुन ली है ना? मैंने आपकी बड़ी गौर से बात सुनी, आपने मेरी बात सुनी। ओके, मैं आपको हर तरह से सैटिस्फाई करूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, हो गया यार, हो गया। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है, आज के टॉपिक पे बारे में अब्बास भाई आपका क्या कहना है? खैर, वो बात लंबी हो जाए कि मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो येलो आपने सब्सटेंस के बारे में जो बात कर रहे थे, उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो वो मैं यही कह सकता हूँ कि जैसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी वो औरतों का क्योंकि येलो भी होता है, तो वो उस लिहाज से वो बात कर रहे थे कि औरतों का येलो होता है, वो एक क्योंकि मर्दों का येलो नहीं होता है, तो इस लिहाज से वो शायद वो बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि औरतों का भी येलो होता है, और क्योंकि वो उनका येलो होता है तो उसमें मैं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देख रहा। लेकिन जो दूसरी बात है ना, ये लॉजिकल रीजनिंग है आपकी, इस तरीके की लॉजिकल रीजनिंग है। मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट अगेंस्ट रियलिटी, रसूल पाक ने जो बात की, दिस इज नॉट अगेंस्ट रियलिटी। अच्छा, उसके बारे में क्या कहेंगे कि लड़का जो है, बच्चा जो है वो मेल और फीमेल होता है, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखें, आपने किसी बात को भी आप यू हैव टू फाइंड द वे टू हार्मोनाइज थिंग, समझ रहे हैं? वो बाइबल में भी ऐसा करते हैं लोग, इस हदीस में भी, यू हैव टू हार्मोनाइज थिंग व्हाट पॉसिबिलिटी कुड बी देयर। जो रसूल पाक ने जो बात की है ना कि वो लड़का होगा अगर औरत पहले आए, और वो लड़की होगी अगर औरत पहले आए, लड़का होगा वो मर्द पहले आए, क्या हमें साइंटिफिक 100% साइंस ये कह रही है कि अगर जो औरत पहले आए तो वो ऐसा नहीं है कि वो बच्ची होगी, ये लड़की होगी, या मर्द पहले आए? साइंस कहती है, हाँ, इसका आंसर मैं दे देता हूँ पहले। साइंस कहती है कि औरत का मनी का निकलना, मैं आंसर ले लेना मेरी जान, कि औरत की मनी का निकलना और मर्द के मनी का निकलना हैज नथिंग टू डू विद चाइल्ड, क्योंकि जो अंडे हैं वो उसकी ओवरी के अंदर पहले ही मौजूद हैं, उसका जो पानी निकलना है, जो मणि का निकलना है, इट हैज नो कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग अ बेबी। क्या कहेंगे आप? मैंने भी एक आर्टिकल आर्टिकल पढ़ा है, आसान कर देता हूं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, उसमें मैं छोटी सी बात करना चाहता हूं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, उसमें कहा है कि दे कैन नॉट से एब्सोल्युटली व्हाट कुड बी द रीजन दैट देयर इज अ गर्ल और अ बॉय।
जी मैंने आर्टिकल मुस्लिम पढ़ा है, दे आर नॉट सेइंग विद एब्सोल्यूट वो आर्टिकल दे दें, एब्सोल्यूट वो आर्टिकल दे दें, अल मैं जजीरा आपको का, नहीं, वो मुसलमानों का आर्टिकल नहीं होना चाहिए, मुसलमानों मैं ये का तो आर्टिकल पहली नहीं होना बार चाहिए, बस ये सुना ध्यान में भाई, रखिएगा। अच्छा देता हूँ मैं स्कूल ये में भी पहली पढ़ा बार था सुना यार ये हूँ, आपस भाई, आपस क्रोमोसोम के भाई बारे में आपको पता है कि नहीं पता है बस भाई? जी, क्रोमोसोम एक्स एंड वाई की बात कर रहे हैं आप? जी तो अगर फीमेल का तो आप, रोल होता ही अगर नहीं है, एक सेकेंड में आप जी सॉरी, फीमेल का तो रोल ही नहीं है, फीमेल तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम दे सकती है, पूरा रोल जो है वो तो मेल का है।